नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कोरोना काल में हम कई सारे नया नया वर्ड हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे लॉकडाउन, क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन, वैक्सीनेशन, प्लाज्मा थेरेपी। देखिए प्लाज्मा थेरेपी हमारे लिए कंप्लीट नया टर्म है, और उससे कोरोना पेशेंट को कैसे मदद मिलती है। प्लाज्मा थेरेपी को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा क्या होता है। हमने तो ब्लड डोनेशन के बारे में सुने हैं, लेकिन प्लाज्मा डोनेट क्या होता है। हमारा शरीर में ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, और बाकी 45% RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड में जो पेल येलो कलर का पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनो सिस्टम, उसका एक पार्ट होता है एंटीबॉडी। उसका मेन काम है जब कभी भी हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंसेस घुसती है, वो वायरस हो या बैक्टीरिया, तो एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, फिर उसके साथ बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज करके उसको नष्ट कर देता है। ये एंटीबॉडीज को प्लाज्मा कैरी करती है। 1865 ईयर के वो लोग जो कोविड से रिकवर हुए हैं, इसका मतलब उनके शरीर में जो एंटीबॉडी है वो कोरोना वायरस को ऑलरेडी मार गिराया है। वो अगर प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो दूसरे पेशेंट को रिकवर होने में मदद मिलेगी। इसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। इसका पूरा नाम है कॉन्वलेशन प्लाज्मा थेरेपी। डोनर की बॉडी से जब एंटीबॉडी लाके पेशेंट की बॉडी में चढ़ाया जाता है, एंटीबॉडी कोरोना वायरस को नष्ट कर देते हैं और रिकवर होने में मदद करते हैं। लेकिन क्या हर कोई प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। डोनर की एज 18 से 65 ईयर होना चाहिए। 2, बॉडी वेट 50 kg से ऊपर होना चाहिए। 3, डोनर की हीमोग्लोबिन लेवल 12 से ऊपर होना चाहिए। 4, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। 5, आप HIV नेगेटिव होना चाहिए। 6, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होना चाहिए, जैसे कि कॉमन क्रॉनिक डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, स्ट्रोक्स है तो आप एलिजिबल नहीं है। 7, अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, मतलब आपको एक साथ एक से ज़्यादा रोग है, तो आप एलिजिबल नहीं है। 8, अगर आपके लाइफ में कभी बच्चा हुआ है और प्रेग्नेंट है, तो आप एलिजिबल नहीं है। 9, अगर आपको किसी दूसरे से अगर प्लाज्मा मिला है तो आप एलिजिबल नहीं है। इतने सारे क्राइटेरिया की वजह से सिर्फ 30% लोग ही एलिजिबल है जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो प्लीज़ डोनेट कीजिए, आप किसी की जान बचा सकते हैं। अभी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोग बुखार के डर से वैक्सीन लेने के लिए डर रहे हैं। मतलब कोरोना से डर नहीं लगता साहब, बुखार से लगता है, जो पैरासिटामोल खाने से ठीक हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला हमारा देश में अगर सिर्फ 2 ही वैक्सीन दिया जाएगा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत ही लंबा चलने वाला है। सरकार अगर प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन वैक्सीन को नहीं लाएगी तो 2022 हो जाएगा, वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। खुशखबरी ये है कि DRDO का वैक्सीन एंटी कोविड ओरल ड्रग्स 2DG बहुत ही जल्दी आ रहा है। जब दुनिया बचाने की बारी आती है, एवेंजर सामने आ जाते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स 10 से 15 घंटा PPE किट पहन के काम कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं। इसलिए तो डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में पेशेंट को जो ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन हो या प्लाज्मा, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और वो उसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसको देख के वो अपनी स्टोरी में मेंशन कर रहे हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई चैरिटी हो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो लोग उसको मदद कर रहे हैं। उस पेशेंट के लिए आप कोई देवदूत से कम नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे मुश्किल वक्त में हम कोरोना को साथ मिलकर ही हरा सकते हैं।